हाय दोस्तों, ये गोदरेज का रेफ्रिजरेटर का है और ये 450 लीटर का है। यहाँ पे इसका पीसीपी शार्ट हो चुका है। ये देखिए रजिस्टर शार्ट हो चुका है। यहाँ पे टोटली स्टार्ट नहीं हो रहा, ये टोटली डेड है पूरा। ये देखिए इसका इधर से थोड़ा सा कंडेंसर भी फुगा वाली करा है। ये देखिए, और इसके साथ और एक आता है ये वाला, ये कंप्रेसर के साथ लगा हुआ होता है। ये फ्रिज कस्टमर के पास है दोस्तों, मैं इसको रिपेयर करने के बाद फिर स्टार्ट होता है या नहीं होता है मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसको चेंज किया है और इसको चेंज किया है और ये कंडेंसर को चेंज किया है। आप देख सकते हैं, मैंने तो नहीं चेंज किया ये, लेकिन जो पीसीपी रिपेयर करता है ना दोस्तों, उसी के हाथ से मैंने कराया है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि फ्रिज चालू होता है या नहीं है, क्योंकि डबल फेज होने की वजह से कस्टमर के घर में फ्रिज भी जला हुआ है, इन्वर्टर भी जला हुआ है। जो जो चीज़ जब चालू था दोस्तों सब जला हुआ है। ये देखिए मैंने पूरा किया है, ये उसके साथ का पीसीपी है। तो मैं अब लगाने के बाद इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि वर्क होगा क्या नहीं होगा। अभी चालू हो गया है,